नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। आज बहुत एक खास विषय पे बात करने वाला हूँ आपसे। जैसा कि यह चैनल आप जानते हैं, इस पे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं। पॉलिटेक्निक जितने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं वे लोग इसमें बहुत ज़्यादा हैं, और मैं इन्हीं पे बात आज करने वाला हूँ। क्या पॉलिटेक्निक करना चाहिए? इस चैनल को क्यों मैं कंटिन्यू नहीं करता हूँ, क्यों बहुत गैप देता हूँ, ऐसा क्यों? मेरे पास दोस्तों कंटेंट की कमी नहीं है, ठीक है। मैं राजस्थान में हूँ, राजस्थान की अगर एक एक कंपनियों के बारे में बताऊँ ना तो 1 साल लग जाएंगे हमें। एक साल आपको, जैसा कि आपको पता होगा, राजस्थान ही सबसे ज़्यादा, राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा कंपनियाँ हैं पूरे भारत में, ठीक है। तो मैं एक कंपनियों के बारे में बताऊँ तो रोज़ एक कंटेंट दे सकता हूँ। कंपनियों में क्या बनता है, सैलरी क्या है, सारी चीज़ ये बताऊँ तो हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं है। साथ में बावल हरियाणा है, गुरुग्राम है, दिल्ली है, नोएडा है, अभी आस पास में, ठीक है, इतनी कंपनियां हैं। आप कॉलेज, तमाम पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, IIT कॉलेज है, ITI कॉलेज है, BTEC कॉलेज है, उनके प्लेसमेंट, सारी चीज़ों के बारे में बताऊँ ना तो मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं है। फिर भी मैं क्यों वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं जान रहा हूँ ना कि 100 बच्चों में से कोई 10-15 ऐसा होगा जो आगे बढ़ पाता है इससे, नहीं तो सब 5 साल, 4 साल, 7 साल, ठीक है, केवल 18 हज़ार, 19 हज़ार पे काम कर रहे हैं पॉलिटेक्निक करके। साफ साफ हम आपको गुमराह नहीं करना चाहते हैं, साफ तौर पे बता देना चाहते हैं, ये हकीकत है, ठीक है। मेरे कई नज़रों में, मैं उन्हीं की बात करूँगा आज, आपको सीधे सीधी बात करूँगा कि मैं देखा हूँ कि लोग 4 साल, 5 साल किसी एक ही कंपनी में रह गए हैं, उसके बाद वहाँ पे उन्होंने डिप्लोमा किया, यानी DET किया, यानी डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग होता है, डिप्लोमा के बाद होता है ये। 2 साल किसी कंपनी में होता है, किसी 4 साल, किसी में 1 साल भी हो जाता है। तो 2 साल के किन्हीं ने, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये प्राइवेसी होती है, तो उन्होंने क्या किया, 2 साल DET किया, उसके बाद कंपनी उनको रख ले, फिर उनको आगे और वो की जूनियर सुपरवाइज़र बनाए, फिर उनको सुपरवाइज़र बनाई, पाते कितना इन हैंड बताए, 18 हज़ार, 5 साल कंपनी में दे दिए, पाते कितना है, 18 हज़ार रुपये। अभी सोचिए, आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, या पॉलिटेक्निक के पास आउट हैं, या पॉलिटेक्निक करके जस्ट जॉब ही लिए हैं, आज आपको मिल रहा है 12 हज़ार, आज के 5 साल बाद आपको 20 हज़ार मिले, आज से 5 साल बाद, तो 20 हज़ार क्या आप सरवाइव कर पाएंगे 20 हज़ार में? आज से 5 साल बाद महंगाई इतनी ज़्यादा रहेगी। अभी तो देखिए, आज ही लोग चुनाव उनाव में सब बात इधर उधर करते हैं कि महंगाई इतनी बढ़ गई, पहले महंगाई उतनी थी अब इतनी है, तो क्या सरवाइव आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। तो पढ़ाई, क्या पॉलिटेक्निक करना गलत है? क्या आप पॉलिटेक्निक करनी है तो गलती हो गया? नहीं, आज उन्हीं सब विषयों पे बात करेंगे, बिल्कुल गुमराह नहीं करेंगे। दोस्तों देखिए, पॉलिटेक्निक करना गलत नहीं है। मेरे बहुत ऐसे मित्र हैं जो 1 साल जॉब करने के बाद 1 साल इधर उधर भटके, और 1 साल उनको जब जानकारी प्राप्त हुआ तो 1 साल बाद 30 हज़ार, 28 हज़ार, ठीक है, 20 हज़ार प्लस चले गए 21 साल बाद, ठीक है। तो आपको करना क्या है? सीधी सीधी बात, आपको तेज बनना है। तेज बनना क्या, कंपनी की तलाश करनी है, इंटरव्यू के लिए तैयार रहना है, नॉलेज को बढ़ाना है। निश्चित रूप से अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट से, सॉरी, किसी भी ब्रांच से अगर आप पढ़ाई किए हो पॉलिटेक्निक का, अगर आप तेज हैं, प्रखर हैं, ठीक है, आपको चीज़ें सीखने की जल्दी है, ठीक है, आप हाजिर जवाब देते हैं, नॉलेज आप में ज़्यादा है, ठीक ना, तो किसी भी कंपनी आपको, कोई भी कंपनी आपको हायरिंग करेगी, और हायरिंग करने से पहले पूछेगी कि आपकी सैलरी कितना आप रखें, कितना चाहते हैं आप, ठीक है। वही मैं बात करूँगा, देखिए मेरी आंखों से आंसू भी आ रहे हैं क्योंकि मैं इमोशनल हो जाता हूँ सबके करियर को लेकर, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इन मुद्दों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों देखिए, इस चैनल पर मैं इसीलिए कंटिन्यू नहीं हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत मैक्सिमम बच्चे 10-12 हज़ार पे काम करते हैं। पॉलिटेक्निक की हकीकत यही है कि अगर आप पॉलिटेक्निक करके आए हैं, फ्रेशर हैं, तो कोई भी कंपनी अगर आपका कहीं किसी कंपनी में चेक नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, यानी आपके रिश्तेदार वगैरह कोई ऐसा लगाता नहीं है, तो फ्रेशर एज ए फ्रेशर आपको कंपनी देगी जानते हैं कितना, 12 हज़ार, 13 हज़ार, 14 हज़ार, मैक्सिमम 15 हज़ार 600 रुपये, मैक्सिमम 15 हज़ार 600 रुपये, 16 हज़ार भी नहीं करेगी।
इतना ही है, इससे ज़्यादा कोई कंपनी में पाता हो फ्रेशर में किसी का व्यवस्था या जैक वगैरह ना हो, सुविधा ना हो, तो पाएगा ही नहीं, 100% कोई कंपनी देती ही नहीं। कोई विशेष कंपनियां हैं जो कंपनियां आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम कराती है 3 फेजों में, आपका वो लेती है क्या नाम है कि इंटरव्यू वगैरह लेती है, जैसे डाइकिन वगैरह कंपनियां, टाटा ग्रुप की जो कंपनियां होती है वो, और L&T एक कंपनी है, इन लोगों की सैलरी आपको ज़्यादा होती है। ये लोग आपको शुरू में ही 18,000 देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इनका ये खुद प्लेसमेंट लेते हैं और इनका बकायदा इंटरव्यू होता है, और उसमें अगर आप चयन हो जाते हैं तो निश्चित रूप से पाते हैं। शुरुआती ही 18,000 आपको ट्रेनिंग बेसिस पे मिलता है। ठीक, बात ये रही। लेकिन अगर आप प्रेशर अन्य कंपनियों में जाएँ, सब बच्चे उसमें अफोर्ड कर नहीं पाते हैं, कहीं प्लेसमेंट लेती है कंपनियाँ तो कहीं और आ जाती है, और सब बच्चे उसकी जानकारी प्राप्त भी नहीं कर पाते हैं साइट वगैरह पे, और लोग इंटरव्यू भी फेस नहीं कर पाते हैं, जो हकीकत 3 फेज में अगर इंटरव्यू होगा तो क्लियर नहीं कर पाते हैं लोग। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या हकीकत है, आज उन्हीं हकीकत पे हम बात करेंगे और क्या करना चाहिए आपको। और मैं इस चैनल पे क्या पॉलिटेक्निक की वीडियो नहीं डालूँगा? जी हाँ, नहीं डालूँगा। आगे बताता हूँ क्या करना है। दोस्तों, जैसा मैं पहले बताया कि मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं है, मैं डेली वीडियो बना के कमा सकता हूँ इस चैनल से, लेकिन हमें गुमराह नहीं करना, और ज़िंदगी भर मैं कंपनी में काम नहीं करना चाहता। कंपनी में काम करना होता है, स्ट्रेस होता है, कंपनी में स्ट्रेस झेलना होता है। अगर आप ऊंची पोस्ट पे जाएंगे तो आपको सारे मैनेजमेंट को देखना होगा, एक अलग सी स्ट्रेस होती है, इसलिए प्राइवेट बेहतर नहीं होता है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है। अगर कोई मान लीजिए बड़े पोस्ट में है, कोई गलती करता है तो सारी जिम्मेदारी आप पे आती है, आप उसको हैंडल करिए सारी चीज़ों को। अगर कोई पार्ट बन रहा है तो उस पार्ट की जिम्मेदारी आपकी होती है, प्रोडक्शन अगर नहीं हो पाया उस चीज़ों का तो आपकी जिम्मेदारी है, ऊपर जवाब आपको देना है, सारी चीज़ें इस पर होती है। ठीक है, अगर आप छोटे पोस्ट पर हैं तब भी दिक्कतें, बड़े पोस्ट पर हैं तब भी दिक्कतें आपको। अगर बड़े पोस्ट पे हैं, इंजीनियर लेवल पे हैं, तो रात को भी आपको जाना पड़ सकता है कंपनी, क्योंकि इस कंपनी तो कईयों शिफ्टों में चलती है। इसके मद्देनज़र रखते हुए मैं तो काम नहीं करूँगा, हमेशा के लिए काम नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, जो भी बच्चे पॉलिटेक्निक से जुड़े हुए हैं अगर वो कमेंट करते हैं तो कमेंट में उन्हें हकीकत की रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा, एकदम वास्तविकता के साथ उन्हें जवाब मैं दूंगा। देखिए, मेरी आंखों में आंसू हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं आपके फ्यूचर को लेकर सोच रहा हूँ और ख़ुद के फ्यूचर को भी लेकर, तो इसलिए इस पर मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं कंपनी में, देखिए मेरे मित्र, सीधी सीधी बात मैं बता रहा हूँ, मैं 1 साल के अंदर मेरा ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना, लेकिन आप कैसे ग्रोथ करेंगे, आज उन्हीं विषयों पर बात करेंगे। देखिए, कोई अच्छा गाइडेंस करने वाला, मैं बता दूँ, जैसा मैं, मेरे पास कंटेंट है ना पूरी YouTube चैनल पे पॉलिटेक्निक से संबंधित या जॉब से संबंधित, कोई ऐसा वीडियो नहीं बना पाएगा जैसा मैं चाह, मेरे पास कंटेंट है, लेकिन मैं फिर भी नहीं डालूँगा कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि आप सोचिए, सब मेरे तरह नहीं होंगे, सब उतना प्रखर बुद्धि के नहीं होंगे कि आगे बढ़ पाएँ। ठीक है, बस मैं इतना कहूँगा कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर लिए हैं तो आप प्रखर बनिए पॉलिटेक्निक की चीज़ें सर्च सर्च करके। ठीक है, कंपनी में आइए, कंपनी में मैन पावर हेडनिंग क्या होता है, कंपनी में प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं क्या क्या है, सारी चीज़ों को पढ़ डालिए। ठीक है, कि अगला जो इंटरव्यू हो, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज अ लास्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आप कैसा इंटरव्यू देते हैं अगले कंपनी में 1 साल बाद। देखिए, 1 साल आपको 10,000 मिले, DET पोस्ट पर मिले, अप्रेंटिस पर मिले, किसी भी पोस्ट पर मिले। ठीक है, आपको 1 साल कर ही लेना है। 1 साल करने के बाद जब अगली कंपनी में इंटरव्यू देंगे ना, वो इंटरव्यू कितना मायने रखता है, कितना नॉलेज आपके अंदर है, वो बहुत मायने रखता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी। ठीक है, बस यही कहूँगा। और बच्चे, जितने भी बच्चे हैं हमसे जुड़े आप हैं तो जुड़े रहिए, मन करे तो, मन करे तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और आप लेकिन कमेंट करेंगे तो मैं कमेंट का रिप्लाई भरपूर तरीके से दूंगा। इस पे GK के छोटे छोटे वीडियो अपलोड होंगे, क्योंकि मेरा एक अन्य चैनल है ब्लॉगिंग का, मैं उस पर अच्छा काम कर रहा हूँ, और इस पर भी वीडियो अपलोड होते रहेंगे GK वगैरह के। अगर पॉलिटेक्निक का कोई भी बच्चा कमेंट करता है, पॉलिटेक्निक के ज़्यादा वीडियो इस पर पड़े हैं, अगर करता है तो निश्चित रूप से मैं उसका जवाब दूंगा, और मैं आपके साथ हूँ हर परिस्थितियों में, कमेंट में रिप्लाई दूंगा। और जल्द ही इंस्टाग्राम का अपना आईडी फेसबुक के अकाउंट से जोड़ रहा हूँ, सॉरी फेसबुक कर रहा हूँ, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में आपको मैं दे दे रहा हूँ, फेसबुक के अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो इंस्टाग्राम के आईडी पाएंगे, तो वहाँ पे आप मुझे जाके फॉलो या कर सकते हैं, या वहाँ पे जाके विधिवत मुझसे चैट में मैसेज वगैरह करके बढ़िया से बातें भी कर सकते हैं, जल्द ही मैं ये करने वाला हूँ। बाकी आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप, ऐसा नहीं है, बस यही है कि 10 से 12,000 15,000 आपको प्रेशर पर मिलेगा पॉलिटेक्निक करने के बाद,
और ये सबसे सस्ता चीज़ें हैं पॉलिटेक्निक में, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होता है। और क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप 15,000 13,000 14,000 पाने लगेंगे, और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। बाकी यहीं तक का वीडियो रहा, चैनल पे आप अगर नए हैं तो जुड़ जाइए, और जीके के वीडियो डेली अपलोड होंगे। और फ्यूचर में अगर मेरे पास समय अतिरिक्त रहेगा, क्योंकि दो दो चैनल को मैं हैंडलिंग कर रहा हूँ, दो दो चैनल को संभाल रहा हूँ, अगर फ्यूचर में मुझे कोई आपको लगा कि एक और चैनल खोलना चाहिए एक बढ़िया सा आपके इंजीनियरिंग को लेकर, तो निश्चित रूप से मैं खोलूँगा। और देखता हूँ समय जैसे रहेगा, अन्य चैनल पे मैं आपका रिप्लाई वीडियो भी देता रहूँगा अगर मुझे समय मिलता है तो। मुझे समय नहीं मिलता क्योंकि कंपनी में ड्यूटी 8 घंटे करना, दो दो चैनल को संभालना, और प्लस खाने होने की भी, मैं पीजी में नहीं रहता हूँ, खाना खुद ही बनाता हूँ, पर्सनल रूम लेकर खाना खुद ही बनाता हूँ। खाना बनाना ठंडी के दिनों में छोटे दिन होते हैं, जल्दी शाम हो जाता, कहने का मतलब यह है छोटे दिन से। और सारे कार्य करना और दो चैनल को संभालना, सारी चीज़ें इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है मेरे लिए। बस इतना कहूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा और देखूंगा आगे क्या करना है। बाकी आप मुझसे चीज़ें इंस्टाग्राम पे बातें भी कर सकते हैं, कोई अगर दिक्कत होगी तो मैं आपका साथ हूँ और हर चीज़ों में मैं आपका हेल्प करूँगा। बाकी आप अगर प्रखर होते हैं, तेज बनते हैं, और कहीं ना कहीं सारे टर्म को समझते हैं, पॉलिटेक्निक टर्म्स को और कंपनी टर्म्स को समझते हैं, तो निश्चित रूप से आप इंटरव्यू तगड़ा देते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई रोक नहीं सकता, बंदे 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद 30,000 तक पहुंच जाते हैं, कोई कोई 32,000 तक भी पहुंच जाता है 2 साल बाद। वो उसकी काबिलियत पर निर्भर करता है, अगर आपके भी अंदर काबिलियत है, नॉलेज है, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। बाकी जय माँ भवानी, हर हर महादेव।